हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजय शर्मा। सो गाइस, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जैसा आप मेरे मोबाइल के वॉलपेपर में देख रहे हो कि जो आपको बैकग्राउंड में लाइव वॉलपेपर दिख रहा है, सो मैं आज इसके बारे में बताना चाहता हूं कैसे आप लाइव वॉलपेपर इस टाइप का आप सेट कर सकते हो। इसको वाटर ड्रॉप लाइव वॉलपेपर कहा जाता है। जैसा आप देख रहे हो कि पानी ऊपर से गिर रहा है, पूरा ये फिल होता रहेगा, भरेगा, है ना। तो इसका आप रेड में और ब्लू में दोनों में डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए गाइस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक से आपको ये पहले इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना होगा। सॉरी, जब आप डाउनलोड कर लोगे, रेड ब्लू दोनों आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि वीडियो लाइव वॉलपेपर जो आप टाइप करोगे, जैसे कि इसमें ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, तो आपको ये सेकेंड नंबर का एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको जाकर बताता हूँ क्या करना होगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब आप ओपन कर लोगे तो इसमें आपको जस्ट मिनट, ठीक है, इसको आपको पहला वाला लिंक को ओपन करना होगा, स्टोरेज डाउनलोड वाला। इसको जब आप ओपन करोगे तो इसमें आपकी सारी वीडियोस आ जाएंगी। ओके, जैसे तो आपको इन सारी वीडियोस में वो वीडियो सर्च करनी होगी, देखनी होगी, जो आपने रेड एंड ब्लू ड्रॉप वाटर वाला डाउनलोड किया था मेरे लिंक पे जाके, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दूँगा। सो आप ब्लू वाले में इसको डाउनलोड कर सकते हो और रेड वाले में इसको कर सकते हो। तो सो गाइस, मैं रेड वाला आपको करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप रेड वाले में ये कॉर्नर पे राइट साइड में आप क्लिक करोगे, ये मैंने क्लिक कर दिया, और ऊपर लिखा है सेट वॉलपेपर, इसको आप क्लिक कर देना। इसमें फिर आएगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। अगर आपको लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन दोनों में सेट करना होगा इसको, तो आप सेकंड वाले को टैप कर देना, या आपको सिर्फ होम स्क्रीन बस में सेट करना चाहते हो तो आप फर्स्ट वाले में टैप कर देना। मैं सिर्फ होम स्क्रीन पे करना चाह रहा हूँ। सो गाइज, ये हमारा सेट हो गया रेड वाला। ये देखो गाइज कितना प्यारा लग रहा है। और आजकल ये वॉलपेपर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और ये वॉलपेपर स्पेशली सैमसंग S10 के लिए है और सैमसंग S10 प्लस के लिए है। तो जिनके पास सैमसंग S10 प्लस S10 है, तो उसके तो निकल पड़े, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट जिसके पास नहीं है ये मोबाइल, एंड्रॉयड ही है, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, जैसा कि मेरा सैमसंग नहीं है, मेरा रेडमी है, तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया है। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का भी पता चल सके। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।